और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले 100 के पास वाली जो डिजिट होती है उनके स्क्वायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए आपको 103 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है, या फिर आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है, 83 का स्क्वायर निकालना है, 82 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 114 का स्क्वायर निकालना है, 118 का स्क्वायर निकालना है। तो विद इन सेकेंड्स आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए समय का बात है वो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इसके थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपको 100 के पास वाली जितने भी डिजिट हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लेनी होती है बेस वैल्यू। क्या लेनी होती है? बेस वैल्यू लेनी होती है, और बेस वैल्यू के लिए आपको लेना होता है 10 की पावर n। 10 की पावर n, n का मतलब हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से हो सकते हैं। तो 10 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। 10 की पावर 1 का मान 10 होता है, और 10 की पावर 2 का मान 100 होता है। 10 की पावर 3 का मान कितना होता है? 1000 होता है। तो इसी तरीके से ये चलता रहता है, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहती है। तो ये जो वैल्यू होती हैं इन वैल्यूज़ को बोलते हैं बेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? बेस वैल्यू बोलते हैं। तो अगर आप 100 की बात, जैसे 103 आप लिखते हैं तो 103 लिखते हैं, 103 लिखेंगे तो ये किसके पास पड़ रहा है? इसमें से देखा जाए तो ये 100 के पास पड़ रहा है। या फिर 118 की बात की जाए तो ये किसके पास पड़ेगा? 100 के पास पड़ेगा। तो इन सब की बेस वैल्यू क्या होगी? 100 मान लेते हैं। तो चलिए जिनकी बेस वैल्यू 100 है उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले 103 का स्क्वायर ही निकालना है, 103 का स्क्वायर निकालना है मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर इस डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना ज़्यादा है आपको पता है, ये 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। इसका स्क्वायर लिख के यहाँ आपको लिख देना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 09 होगा। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, कितना बन गया? 106। और इसको यहाँ पर इसका डबल कीजिए, क्या कीजिए? डबल। तो डबल क्या होगा? 6 को आप इस 100 में ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा? 106। तो ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा डाउटफुल रहा होगा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार और। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 105 का। क्या करना है? 105 का स्क्वायर निकालना है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? 100 + 5 लिख सकते हो। एनी डाउट? जो 5 लिखा हुआ है आपको उसका स्क्वायर लिख देना है। लिख दिया। अब ये जो 5 है इसका डबल कर दीजिए, कितना होगा? 10 होगा। और इस 10 को आप 100 को ऐड कर दीजिए तो कितना बना? 110 बना, 110। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। आपका आंसर आ चुका है, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल रहा होगा लेकिन इसमें क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको दिक्कत आने वाली बात तो है ही नहीं। मान लीजिए आपको 108 का स्क्वायर निकलना है, 108 का स्क्वायर निकलना है, तो आप इसे लिख सकते हो 100 + 8 लिख सकते हो। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 64 आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। 8 का डबल कितना होता है? 16। 16 को आप 100 में ऐड कर दीजिए। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। 116 बनेगा, और 116 को आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, 116 64। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्लियर। एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपको 109 का स्क्वायर निकालना होता तो आप क्या करते? तो भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ये क्या लिख सकते हो आप? 100 + 9 करके लिख सकते हो इसे। 100 + 9 लिखोगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। और 9 का डबल कितना होता है? 18 होता है। इस 18 को 100 में ऐड कर दीजिए, 118। एंड दैट्स योर आंसर आ चुका है, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, या किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपको, मान लीजिए स्क्वायर निकालना है आपको 123 का, 123 का, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके चलते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो 123 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है 123 को आप लिख सकते हो 100 + 23। क्या लिख सकते हो? 100 + 23 लिख सकते हो। 23
का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 529 होता है। कितना होता है? 529। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 529 पेस्ट कर देना है, और ये आपने पेस्ट कर दिया। अब आपको पता है कि जो 23 होता है, जो 23 होता है उसका डबल कितना होगा, 46। 46 को आपको इसमें ऐड करना होता है, 146 बना, 146 को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। क्या कर देना है, 146 को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपने पेस्ट किया तो इतना बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इन दो डिजिट का बनेगा सिर्फ सिर्फ एक। क्या बनेगा, सिर्फ एक। तो पीछे से देखो, 9 2 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी बचा, 1 1 को ऐसे दे दो 5 और ये 1, तो 15129 एंड दैट्स योर आंसर। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्लियर? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 94 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया कि 94 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, 100 माइनस 6 लिख सकते हो, 100 से 6 कम है भाई, हमें पता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब 6 का डबल कितना होगा, 12। 12 इसमें से माइनस कर दीजिए, किस में से, 100 में से। 100 में से 12 माइनस करने पर कितना बचेगा, 88। कितना बचेगा, 88। और ये बात क्या बचेगा, 88। और ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए तो एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कई सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपको स्क्वायर लिखना है, 97 का स्क्वायर लिखना है। क्या करना है, 97 का स्क्वायर लिखना है, तो आपको पता है ये 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, तो 3 कम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, 09 करके 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब 3 का डबल करना है तो आपको क्या करना है, 6 करना है, 6 को इसमें से माइनस कर देना है। जब प्लस वाली बात होती है तो प्लस करना होता है, माइनस वाली बात होती है तो माइनस करना होता है। 100 में से -6 करोगे तो कितना बचेगा, 94, और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो 9409 दैट्स योर आंसर। आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए एक और एग्जाम्पल की सहायता से इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 92 का स्क्वायर लिखते हैं। कितने का, 92 का स्क्वायर लेते हैं, तो 92 का स्क्वायर आपको पता है ये कितना कम है, 100 से 8 कम है। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है 64 होता है। पेस्ट कर दीजिए। 8 का डबल कितना होता है, 16। 100 में से 16 को माइनस कर दीजिए। क्या करना है, 100 में से 16 को माइनस करना है, आपको पता है 84 बचेगा। 84 को आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और यही आपका आंसर आ चुका है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, 95 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। चलिए तो 95 आपको पता है ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, और 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है। 100 में से 10 गया तो 90 बचेगा, और 90 आपका आंसर आ चुका है। चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 95 का स्क्वायर निकालना है तो आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 95 जिन डिजिट के लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। 5 का स्क्वायर लिखना है आपको 25। 9 से बड़ा क्या होता है, 10। दोनों का मल्टीपल कर दो कितना होगा, 90। ये भी आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि आपका आंसर चेक भी हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्क्वायर आप 100 के जो भी पास वाले नंबर हैं, 80 से लेके 130 तक के जितने भी नंबर 100 के पास पड़ते हैं, उनका आसान तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, पर डे आपको एक ट्रिक मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।